देखो बाहर से स्पीड कितनी सही लग रही है, देखो इतनी देर में इसकी जो बैटरी है उसमें काफ़ी फर्क पड़ गया है। बट मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप डेली कॉफ़ी बनाते हैं और अगर आपको डेली कॉफ़ी पीनी है तो आप इसके जगह पे तो ये वीडियो प्रो 365 मिल्क फ्रोथर के ऊपर एक इनडेप्थ और बिल्कुल रियल वर्ल्ड वीडियो होने वाला है। तो जब आप इसको अनबॉक्स करोगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा। इसकी पहली चीज़ जो सबसे अच्छी और बस एक ही चीज़ अच्छी लगेगी वो ये है कि इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। आप जब इसको ओपन करोगे तो आपको एक थोड़ा सा प्रीमियम फील देगा। अगर आप ये वाला फ्रोथर ख़रीदने की सोच रहे हैं तो आपके मन में हो सकता है दो तीन सवाल हो कि ये कंपनी और जो होक्सागिन या होक्सागिन ऐसा ही कुछ नाम है वो कंपनी सेम तो नहीं है, क्योंकि लोगों ने रिव्यूज़ में और फ़ोटोज़ में सेम फ़ोटो डाल रखी है। तो नहीं, ये जो है ये एक अलग कंपनी है और इसका प्राइस उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मैंने सोचा था कि हो सकता है मे बी ये इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो, तो मैंने इसको मंगवाया। अभी एक वीक हो गया है इसको यूज़ करते करते, मैंने इसमें कम से कम 7 से लेके 10 कॉफ़ी तक बनाई है और बस इसका डिज़ाइन अच्छा है। इस पर देखो एक और बात, मैं ड्यूरासेल की बैटरीज़ की जगह पे ये एवरीडे की बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे नहीं मिल रही थी ड्यूरासेल की बैटरीज। तो 1 से 2 दिन तक पहली जो कॉफ़ी बनी थी उसमें तो ऐसा लगा कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं हम इसको रख सकते हैं, बट उसके बाद इसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल डिग्रेड होती चली गई और अभी जो आवाज़ है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। 5 दिन 7 से 8 मतलब 1 वीक और 7 से 10 कॉफ़ीज़ के बाद इसकी जो हालत है वो बहुत ख़राब हो जाती है, ये ऐसे क्रम्बल करने लगता है। पहले मैंने देखा था एक वीडियो के मतलब वहाँ पे जो इसके रिव्यूज़ थे वहाँ लोगों ने क्वेश्चन डाल रखे थे कि ये क्रम्बल कर रहा है, तो सेलर ने रिस्पॉन्स दिया था कि ये क्रम्बल करेगा क्योंकि एग्स को भी क्या करते हैं, एग्स को बीट करते हैं, तो एग्स को बीट करने के भी ये काम आता है। ठीक है, मैं अभी आपको इसके साथ कॉफ़ी बना के दिखाता हूँ। ओके, तो कॉफ़ी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक कोई भी कप या ग्लास, एक थोड़ा सा गर्म पानी, चीनी, कॉफ़ी और अच्छा मैं इसके सेल्स बैटरीज इसकी जो है वो चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि शुरुआती कॉफ़ी कैसी बनेगी। उसके बाद तो आपको ये हटाने पड़ेंगे क्योंकि अब इनमें कोई पावर नहीं रही और बस इतनी ही 7 से 10 कॉफ़ीज़ तक ये चले हैं। ड्यूरासेल के होंगे तो ये नहीं होगा कि बहुत ही ज़्यादा वो 10 गुना ज़्यादा चलेंगे, हो सकता है वो थोड़े बहुत ज़्यादा चलें, बट नहीं मुझे कोई मतलब मज़े नहीं आए इनके साथ और ना ही इसके साथ मज़े आए, क्योंकि बस थोड़ी सी पावर देता है ये, ज़्यादा पावर नहीं देता कॉफ़ी को बीट करने के लिए। तो मैं अभी फ़िलहाल नई बैटरी यूज़ कर रहा हूँ अच्छा दोनों बैटरीज़ वर्टिक अलग अलग डायरेक्शन डालनी है और बस इसको बंद कर देना है और देखो अब इसकी स्पीड कितनी तेज़ चल रही है। बट ये बस 2-4 कॉफ़ी ही बनाएगा, मैक्सिमम 2-4 ऐसी ही बनाएगा, फिर उसके बाद ठीक ठीक ही बनेंगी। ठीक है अभी हम बनाते हैं। अच्छा ये मेज़रिंग स्कूप हैं, एक कॉफ़ी बनाने के लिए 1 टीस्पून होनी चाहिए, तो ये 1/2 टीस्पून है। मैं इसमें अभी मुझे 2 कॉफ़ी बनानी है तो 4 मुझे स्पून डालनी पड़ेंगी। ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं इनमें से अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आए, अगर आपको ख़रीदनी हो, चेकआउट करनी हो, चार हो गई चेकआउट करनी है तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो ये कॉफ़ी डालने के बाद एक में 1 टेबल स्पून शुगर चाहिए, तो ये 1 टेबल स्पून और 2 बनानी है तो ठीक है। अभी इसका प्रोसीजर ये है कि आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालो। अच्छा इस कप के साथ ये और ये जो इसका ये चीज़ है ये साथ में आई थी और ये भी कहते हैं कि सभी लोग ये कहते हैं इंटरनेट पे अगर आप देखोगे कि कॉफ़ी बनाओ 30 सेकंड के अंदर, हाथ से बनाओगे तो 5 मिनट में बना देंगे, बट ऐसा नहीं है। 5 मिनट तो कम से कम आपको इस फ्रोथर के साथ लगेंगे, कम से कम फ्रोथर के साथ, अगर आपका फ्रोथर सही चल रहा है तो 5 मिनट तो फ्रोथर के साथ लगेंगे। और अगर आप हाथ से करते हैं तो देखो ये जो चीनी है ये थोड़ी सी मोटी वाली चीनी है, तो कम से कम आपको 20 मिनट लगेंगे।
ठीक है, मैं अभी आपके सामने फ्रोथर से बना के दिखाता हूँ। सही चल रहा है, काफ़ी सही स्पीड है, बट ये पहली कॉफ़ी है नई बैटरीज के साथ, तो ठीक लग रहा है कि हाँ इस चीज़ को हम रख सकते हैं, लेकिन एक वीक जब यूज़ करोगे तो आपको कोई ज़्यादा मज़े नहीं आएंगे। इसकी मोटर की जो पावर है वो उतनी तगड़ी नहीं है। धीरे धीरे इसको एक मिनट इस तरफ आ जाओ। धीरे धीरे देखो, अब भी जब जैसे जैसे ये थोड़ा सा लिक्विड विस्कस होता जाएगा, इसकी जो स्पीड है वो कम होती चली जाएगी, और उसके बाद आपको थोड़ा सा और पानी डालना पड़ेगा और दोबारा से इसको बीट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये लाने के बाद आपको बस 2 मिनट लगेंगे, 30 सेकंड लगेंगे इसे बनाने में। देखो जैसे ये नीचे जा रही है तो इसकी जो स्पीड है वो बिल्कुल धीरे होती है, क्रम्बल करने लगती है। तो अब आप सोचो कि जब ये 3-4 दिन के बाद इसकी स्पीड ऐसी होगी तब ये कॉफ़ी बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। तो देखो पहले दिन और बिल्कुल नई बैटरीज के साथ थोड़ा सा विस्कस के अंदर जाते हैं, इसकी जो मोटर है वो उतना अच्छे से ऑपरेट नहीं करती जितना अच्छे से ऑपरेट करने का दावा किया गया है प्रो 365 को ख़रीदते हुए। देखो बाहर से स्पीड कितनी सही लग रही है। आप इसको थोड़ा सा कट करके और थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देख लेना, क्योंकि देखो इसके साथ भी आधी से ज़्यादा चीनी अभी नहीं हुई है और मुझे कितना टाइम हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये लेके आओगे तो आपको बस 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड लगेंगे बनाने में। हाँ, अगर आपके पास पाउडर्ड शुगर है तो जल्दी हो सकता है काम। ठीक है, तो मैं पहले इस कभी को कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो अभी जस्ट मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला है और ये एकदम से क्रीमी हो गई है। अभी बस हमें दूध चाहिए, दूध को थोड़ा सा फ्रोथ करना है और उसके बाद दूध को इसके अंदर डालना है। तो अब ये जो मिक्सचर है ये बिल्कुल तैयार है। पहली 1 से 2 कॉफ़ी बनाने में तो बहुत मजे आएंगे। अगर आपके पास ड्यूरासेल की बैटरीज हैं तो मे बी 2-4 दिन ज़्यादा अच्छे से चल सकती हैं। तो अभी मुझे लगभग 5 मिनट हो गई हैं और ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है, एकदम क्रीमी हो गया है। बस इसमें अभी दूध डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दूध को फ्रोथ कर लेते हैं, मिल्क फ्रोथिंग कर लेते हैं। देखो इतनी देर में इसकी जो बैटरी है उसमें काफी फर्क पड़ गया है। जब ये इतना फ्रोथ हो जाता है उसके बाद हम इसको अपनी कॉफ़ी में डाल सकते हैं।
ओके, तो ये बनने के बाद अभी हम इसको दोबारा से मिक्स भी कर सकते हैं। देखो जैसे ये नीचे जाता है इसकी स्पीड है वो आधी से भी कम हो जाती है। सो नाउ हमारी कॉफ़ी बन के रेडी है। तो मेरा जस्ट आपसे ये बताने का मन था कि अगर आप प्रो 365 खरीदते हैं तो आपके मन में जो डाउट होंगे, जैसे होक्सागिन को लेके प्रो 365 का खरीदे, होक्सागिन का खरीदे, ये थोड़ा सा प्रीमियम लग रहा है, तो हाँ ये थोड़ा सा प्रीमियम लग रहा है। और इसको साफ़ करना भी आसान है, देखो जैसे ही ये पानी है आप इसमें इसको डालिए और बस ये साफ़ हो जाता है। तो इसको साफ़ करना भी आसान है, इसका ABS मटेरियल जो है वो सही लग रहा है और थोड़ा सा प्रीमियम भी है, बट इसकी जो पावर है एवरीडे की बैटरी के साथ बस एक वीक तक चलेगी, मैक्सिमम एक वीक तक चलेगी, उसके बाद ज़्यादा अच्छी नहीं चलेगी। तो आप अपने हिसाब से कंसीडर करिए, अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ जो यहाँ पे है, इनमें से अगर कोई भी चीज़ आपको ख़रीदनी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हैं तो आप देख लीजिए अगर आपको चाहिए तो, ओके। बट मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप डेली कॉफ़ी बनाते हैं और अगर आपको डेली कॉफ़ी पीनी है तो आप इसके जगह पे इंस्टा कपा का ख़रीदें, क्योंकि उसकी जो मोटर है उसकी जो पावर वो 19,000 RPM की है और इन्होंने तो मेंशन भी नहीं किया कि इनकी मोटर की पावर कितनी है। ठीक है, मैं आपसे यही बातें करना चाहता था। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू अगेन, बाय।